अगर अंदर आग ना लगा पाया तो वीडियो को सीधा डिसलाइक मार देना, लेकिन जरा भी अगर आग लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बिकॉज आज के एपिसोड में हम बात करने वाले 1% एक्स्ट्रा हार्डवर्क के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके चैंपियंस और चैंपियन होते जा रहे हैं, विनर्स और विनर बनते जा रहे हैं। सो डोंट मिस इट, बिकॉज मिस किया ना तो नुकसान आपका होगा। कहते हैं कि विनर्स कुछ अलग नहीं करते और ना ही अलग दुनिया के होते हैं। ये वही पागल सन के जिद्दी लोग होते हैं जिन्हें किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत अपने आप पर यकीन होता है, जिन्हें यकीन होता है अपने 1% एक्स्ट्रा हार्डवर्क पर। बिकॉज जब सारी दुनिया मेहनत की तपन से बच रही होती है, जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भी ये मेहनत की भट्टी में तप रहे होते। ये जुनून, ये पागलपन नहीं तो क्या है? क्या होता है इनमें ऐसा जो इतनी मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है, कुछ ज्यादा ट्राई करने के लिए? क्योंकि आलस इन्हें भी आता होगा, डर इन्हें भी लगता होगा, दर्द इन्हें भी होता होगा, ये भी थक जाते होंगे। तो फिर कोई कैसे कर सकता है इतनी मेहनत? बिकॉज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके कुत्ते बिल्ली भी ऐस करते हैं, ऐस की जिंदगी जीते हैं, सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, फिर भी वो दिन के 12-12 घंटे सारे ऐसे आराम को छोड़कर मेहनत की भट्टी में खुद को तपाते हैं। बिकॉज इन्हें पता होता है कि कोई इंसान बेहतर नहीं होता, उसे बेहतरीन बनने के लिए कल से बेहतर करना होगा। हर रोज लाखों लोग ग्राउंड पर उतरते हैं, लाखों लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं, बट उनमें एक दो लोग ही ऐसे होते हैं जो टॉप पर पहुंचते हैं, बाकी के लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। बिकॉज कोई नहीं चाहता एक घंटा ज्यादा मेहनत करना, एक घंटा पहले ग्राउंड पर आना, एक घंटा ज्यादा प्रैक्टिस करना, बट जिसने कर लिया ना वो लाइफ लॉन्ग विनर बन जाता है, वो हमेशा के लिए चैंपियन हो जाता है। कोबे ब्रांड द बास्केट वाले से एक रूल था इसकी लाइफ का, सुबह 4 बजे उठकर सीधे प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था। बिकॉज जब तक सारे प्लेयर्स सुबह 8 बजे प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर आते, तब तक में ये बंदा ऑलरेडी 4 घंटे की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर चुका होता था और फिर उनके साथ तक प्रैक्टिस किया करता था। बिकॉज इन्हें पता था अगर मुझे एवरेज लोगों से आगे बढ़ना है तो फिर मुझे एवरेज नहीं कुछ एडवांस करना होगा। इसीलिए अगर कोई गेम सिर्फ जीतना है तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, बट उस गेम को हमेशा जीतते रहना है तो 1% एक्स्ट्रा हार्डवर्क करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।